चलिए आज हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ और गाड़ी अपनी एक खड़ी है। अरे बाप, कितना बड़ा लैंडस्लाइड हो रखा है। देख सकते हो कितने बड़े पत्थर आ रखे हैं, और अब तो मेरे को सिद्ध बलि मंदिर का भी खतरा लग रहा है। जड़ो लड़ो जड़ो ठंड, और दिल्ली में जाए देखें क्या हालत है तुझे। हे मेरे ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ एकदम राजी खुशी होंगे। मैं सोग रावत स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत गांव गलियारों और पहाड़ों में। तो आज देख सकते हो हमारे पीछे की लोकेशन, कुछ लोग पहचान गए होंगे, कुछ नहीं पहचान गए होंगे। तो चलिए आज हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, और गाड़ी अपनी एक खड़ी है सामने। यहाँ पर दूसरी गाड़ी एक्सचेंज करनी है। चौखाल में हम इस समय, ये देख सकते हो चौखाल का नज़ारा कितना खूबसूरत हो रखा है। ये हमारे सतेंद्र भाई जी की गाड़ी है, अरे बिन्नू भाई। और यहाँ से देखिए चौखाल का नज़ारा, कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। सामने देख सकते हो भैरव बाबा की मंदिर भी है, सामने आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ से नज़ारा देखिए, एकदम पहाड़ों का नज़ारा देखिए। चौखाल के ऊपर चोटी में हम वरुण देव भी दिखाई दे रहे हैं सामने। ये देखिए सामने, अरे एक एक गाड़ी भी आ चुकी है नीचे। ये सामने मंदिर भी है, नज़ारा देखिए एकदम पहाड़ों का। ये देखिए, ये है पहाड़ों का नज़ारा। तो चलिए बने रहें, अभी चलते हैं आगे की तरफ, आपको दिखाते दिखाते जाएंगे जहाँ पे हम रुकेंगे। आपको यहाँ से दिल्ली का सफ़र दिखाते हुए चलेंगे। ये देख सकते हो हाय क्या हवाएं चल रही हैं। ये हमारे भाई की गाड़ी देखें, चौखाल में आए खड़े हैं हम आधे घंटे से, और ये कि भाई साहब भी जा रहे हैं दिल्ली। सीट डाउन कर कौन लाउन से। ये बिन्नू भाई जी, कैसा लग रहा है तुम्हें? जड़ो लड़ो जड़ो ठंड, और दिल्ली में जाए देखें क्या हालत है। ये हम पहुंच चुके हैं सिद्ध बलि मंदिर के पास, और यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है बहुत तगड़ा, क्योंकि आगे बहुत भयानक पहाड़ गिर गया है। हमें तो डर इस बात का है कि यहाँ पर मंदिर का भी खतरा है, सिद्ध बलि मंदिर का, क्योंकि अभी आगे देखिए, आगे हम आपको दिखाएंगे कितना खतरनाक लैंडस्लाइड हो रखा है। बने रहें आप हमारे साथ वीडियो में। और ये पहुंच चुके हैं हम सिद्ध बलि मंदिर के पास, धीरे धीरे चलते चलते, और आगे इसी के आगे हो रखा है लैंडस्लाइड। ये देख सकते हो सिद्ध बलि मंदिर, और यहाँ पे पुलिस वाले भाई साहब भी थे, उन्होंने भी कहा आप टेंशन मत लो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आगे से जाम हटाने की। तो ये देखिए अब बस आने वाला है, बने रहे वीडियो में हम आपको।
और ये देखिए यहाँ हो रखा है लैंडस्लाइड। देखो कितना भयानक है, सारे जेसीबी ने पत्थर हटाए हैं, देख सकते हो ऊपर से पूरा पहाड़ नीचे आ गया था रोड में। और यहाँ पे काफ़ी उधर की साइड से भी इधर की साइड से भी जाम लगा हुआ है, ये देख सकते हो ऊपर बहुत भयानक। यहाँ देखे लोग भी खड़े हैं, काफ़ी लोग खड़े हैं, जेसीबी काम पे लगी हुई है, एक साइड का जाम हटा रहे हैं फिर दूसरे साइड का भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। और ये देख सकते हो हम तो यहाँ से धीरे धीरे करके आगे की तरफ निकल गए। और ये देखिए दूसरी साइड से कितना जाम है, हम दिखाते दिखाते चल रहे हैं आपको। ट्रक खड़े हैं, ये देख सकते हो ट्रक पे ट्रक खड़े हैं, बसें खड़ी हैं, लोग रोडों पे बैठे हुए हैं, देख सकते हो बहुत भयानक जाम लगा हुआ है पूरी रोड पे। एक साइड के अभी खुल गया है, जैसे ही इधर की गाड़ियां खाली होंगी फिर इधर की साइड की छोड़ी जाएंगी। तो इसी प्रकार से जाम हटाया जा रहा है, ये देख सकते हो चारों तरफ देख सकते हो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये देख सकते हो आप पूरा जाम लगा हुआ है दोनों साइड से। जाम से निकलने के बाद भाई साहब जो हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी और यहाँ पे एक ढाबा है वहाँ पे हमने गढ़वाली दाल भात खाए। और ये देख सकते हो यहाँ से खूबसूरत नज़ारा यहाँ होटल के बाद। हम चले फिर खाना खा के दिल्ली की तरफ।